नमस्कार मैं शीतल पीत सिंह सत्य हिंदी डॉट कॉम पर आपका स्वागत है आज जो विंडो में आप देख रहे हैं ये ईरान के जो सेना है उसका एक स्पेशल ग्रुप है जिसको रिपब्लिकन गार्ड कहते हैं और उस स्पेशल ग्रुप का एक सेक्शन है जो उसको विदेशों में अपना प्रचार प्रसार और प्रसार, मतलब अपनी योजनाओं का और अपने फैसलों का और सरकार की नीति का सैनिक रूप से प्रचार प्रसार करता है जिसे हम कुड्स फोर्सेस कहते हैं वहाँ की अपनी भाषा में कुड्स भी कह सकते हैं तो उसके चीफ कासिम सुलेमानी नाम के एक सज्जन हैं जो आप बीच में देख रहे हैं फोटो के बीच में दाढ़ी वाले महोदय वो बहुत ही वहाँ प्रतिष्ठित और जैसे आप यूरोप में जेम्स बॉन्ड वगैरह को देखते हैं खैर वो तो एक फ़िक्शनल हीरो हैं ये रियल हीरो हैं ईरान में क्योंकि इनके अब बारे में अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो खैर ये ईरान की फ़ौज के एक बहुत बड़े आला अफसर जो सीधे वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता को रिपोर्ट करते थे इनकी अब से चौदह घंटे पहले बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मिसाइल द्वारा जहाज से उतरकर कार में जाते समय बीच में मार के हत्या कर दी गई है और इनके साथ इराक की एक का एक मिलिशिया संगठन है शिया मुसलमानों का उसके डिप्टी कमांडर की भी मृत्यु हुई है इसमें जिनका नाम है अबू मंदियाल मोहंदिस और इनके साथ पांच अन्य लोग जो सहयोगी रहे होंगे वो मारे गए ये एक बहुत बड़ी घटना अचानक हुई है मध्य पूर्व में एशिया मध्य पूर्व में और अरब इलाके में जिससे एकाएक दुनिया का पारा गर्म हो गया है नतीजा तुरंत सामने आया हमारा रुपया जो है तुरंत बयालीस पैसे गिर गया क्योंकि हम बहुत सारा माल जो ऑयल सेक्टर का है वो इम्पोर्ट करते हैं आप जानते ही हैं बहुत हमारा जो बाहर से भारत सामान खरीदता है उसका सबसे बड़ा बिल तेल कच्चा तेल खरीदने में ही लगता है तो डॉलर में हमें देना होता है तो जाहिर है कि वो दाम का उस पर फ़र्क पड़ा और दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें एक-एक चार फ़ीसद की बढ़ोतरी हो गई चार फ़ीसद बहुत बड़ी रकम होती है आप जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही कुल पाँच फ़ीसद के आसपास इस समय बढ़ पा रही है तो अगर चार फ़ीसद की उसमें वृद्धि एक दिन में हो गई है चौदह घंटे के बाद और अगर इसमें और वृद्धि होती है तो हमारी पूरी बढ़त जो है उसका जो इम्पोर्ट बिल है उसमें ए, ये लगभग बराबर कर देगी तो ये एक बड़ी परिघटना पूरी दुनिया के लिए है और इसका असर पूरी दुनिया पे होना शुरू हुआ है अभी राष्ट्रपति ट्रम्प जिन्होंने इस हमले का आदेश दिया वो छुट्टियां मना रहे थे नए साल की उन्होंने वहीं से इसका आदेश दिया और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो हैं वो यूक्रेन की यात्रा पर थे उन्होंने यात्रा कैंसिल की उसके बाद उन्हें चार दूसरे देशों में भी जाना था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया ये एक बहुत बड़ा सैनिक अभियान है इसलिए आज की आज के लिहाज से वैसे तो नहीं इसलिए क्योंकि इसी साल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और एक ट्वीट है मैं आपको दिखाता हूँ इस पर इस तरह के ट्वीट भी आने लगे कि एक अमेरिक एक पश्चिमी देश का नागरिक जो है ट्वीट कर रहा है उसका ट्वीट देखिए आप ये ट्वीट कह रहा है कि सीनियर बुश ने इराक एर, पर अटैक किया जिस साल उनके यहाँ इलेक्शन री इलेक्शन था उनका बुश जूनियर ने इराक को अगली बार अटैक किया जब उनको भी री एलेक्शन में जाना था ट्रंप ने ईरान को उसी साल अटैक किया है जिस साल उनको इलेक्शन में जाना है तो सोशल मीडिया पर पश्चिमी देशों में अमेरिका में बहुत सारे इस तरह के ट्वीट फैल गए हैं जिनको लगता है कि ये जो घटना है इसका वहाँ भविष्य में होने वाले चुनाव से भी संबंध है जैसे हमारे देश में एक घटना हो गई थी जिसके बारे में ऐसा कहा गया था बालाकोट वाला प्रकरण खैर अभी हम लोग केंद्रित करते हैं ये जो घटना इरा इराक में हुई है बगदाद में उसके बारे में तो इस घटना की इराकी राष्ट्रपति ने निंदा कर दी है उनका बयान देखिए अभी इराकी प्रेसिडेंट ने इसकी निंदा कर दी है और उनका ट्वीट देखिए इराकी प्रेसिडेंट का ट्वीट ये इराकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो अमेरिका के इस कदम का समर्थन नहीं करते और दोनों पक्षों से ये अपील की है कि वो अपना रेस्ट्रेंट रखें और कोई ऐसी जवाबी कार्रवाई न करें जिससे चूँकि ये एक ईरान और अमेरिका का झगड़ा एक तीसरे देश इराक में हो रहा है और वो देश इसका शिकार होने की ओर है इसलिए उन्होंने इस हमले की आलोचना करते हुए दोनों पक्षों से रेस्ट्रेंट बरतने की अपील की है राजनीतिक रूप से ये हो रहा है अमेरिका के पक्ष में कुछ अमेरिकी देशों के अमेरिकी राजनयिकों के वगैरह के बयान आए हैं इस बीच ईरान में चूंकि ये बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे तो इनके बारे में खबर सुनाते सुनाते एक खबरनवीस और एक सैनिक अधिकारी जिससे वो बयान ले रहा था खबरनवीस दोनों रोने लग पड़े जरा उनका वीडियो देखिए आप आज شهادت لباس تک سایزه با سبا در چمن لاله سهر میگفتم که شهیدان که اند این همه خونین کفنان اگر پیکرشو ببینم بوسه خواهم زد منتها در اینجا بر این لباس مقدس کنار سردار شریف خیلی متشکرم همکاران در پخش شما رو به خداوند صبحان می, می سپارم در خدمت خواهیم بود با ادامه برنامه های شبکه بینر خبر یا هم तो ये ईरान में ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है और जैसी वहाँ घटनाएं पिछले छः आठ महीने से हो रही हैं उससे ऐसी शंका बलवती हो रही है कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा और ये किसी बड़ी दुनिया की घटना में बदल सकता है बड़ी लड़ाई में भी बदल सकता है अभी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता ये काफ़ी बड़ी घटना है एक तरह से क्योंकि ये जो सज्जन थे कासिम सुलेमानी ये ईरान में बहुत प्रतिष्ठित थे मैंने जैसा आपको बताया कि नकली जेम्स बॉन्ड नहीं अकली जे असली जेम्स बॉन्ड की तरह से ये जो सीरिया में ऑपरेशन हुए हैं पिछले दिनों पिछले दो साल में जिसमें आईसिस के सारे लड़ाके मारे गए हैं पकड़े गए हैं भगाए गए हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था जो इसराइल से सटे हुए लेबनान में हजबुल्ला नाम का एक संगठन है और वो जो मिलिशिया है उसको पैदा करने में बढ़ाने में मदद करने में और लड़ाका बनाने में जिसने इसराइल की नाक में दम कर रखा है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है अभी इराक में भी इन्होंने बहुत सारे मिलिशिया संगठन क्रिएट किए हैं जो आइसिस से भी लड़ रहे हैं इराकी सेना का की जो आइसिस से लड़ाई है उसमें मदद करते हैं और जिन्होंने अभी इस नए साल की शुरुआत में जिन पर अमेरिका ने एक हमला कर दिया था और उनके कुछ लोगों को मार दिया था क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये माना गया था कि 27 तारीख को एक रॉकेट अटैक में एक अमेरिकन व्यापारी को एक ठेकेदार को रॉकेट अटैक में एक मिलिशिया ग्रुप ने कत्ल कर दिया था जिसमें उन मिलिशिया ग्रुप्स को माना जा रहा है अमेरिका की ओर से और पश्चिम की ओर से जिनको ये सुलेमानी साहब के प्रयत्न से जो मिलिशिया ग्रुप्स इन इलाकों में खड़े हुए हैं आप जानते हैं कि यमन में एक हाउथी नाम का ग्रुप है जो सऊदी अरब और अमेरिका और पश्चिम और अपने देश में ही एक, एक हिस्से से लड़ रहा है और उसने आज तक सऊदी अरब को वहाँ घुसने नहीं दिया है उसने ही कुछ दिन पहले सऊदी अरब की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरमाको के पेट्रोलियम प्रतिष्ठान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया था और उससे वो बहुत दिनों तक प्रतिष्ठान बंद रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तेल कंपनी की चूल्हे हिल गई थी तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ गल्फ़ रीजन में हो रही हैं ईरान ने कुछ दिन पहले अमेरिका का एक ड्रोन गिरा दिया था जो उसके उसका कहना था कि उसके इलाके में उड़ रहा था स्पाइंग कर रहा था अमेरिका का यह कहना था नहीं वो अपने रूट पर था और इनके इलाके में नहीं था तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इस बीच पिछले पाँच छः महीनों में जिनसे तनाव लगातार बढ़ रहा था लेकिन इराक में जो तत्कालीनिक घटनाएं हुई हैं वो ये थी कि नए साल की शाम पहले तो मैंने आपको बताया कि एक ठेकेदार की हत्या हुई है सत्ताईस दिसंबर को जो अमरीकी ठेकेदार है दरअसल इराक युद्ध के बाद इराक के पुनर्गठन के लिए और उसमें पुनर्निर्माण के लिए दुनिया भर से जो फंड आए हैं और अमेरिका ने भी दिए हैं उन फंड्स के इस्तेमाल के लिए जो ठेके होते हैं वो भी बहुत सारे ठेके अमेरिकी ठेकेदार और पश्चिमी ठेकेदार ही लिए हुए हैं और नीचे वो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे बहुत सारे ठेकेदार वहाँ निशाने पर हैं और जब इस तरह के मिलिशिया ग्रुप्स वहाँ क्रिएट हो रहे हैं और धीरे धीरे प्रभुत्व इराक में भले ही युद्ध अमेरिका ने इराक की ओर से करके सद्दाम हुसैन को मार दिया हो और वहाँ सरकार अपने पसंद की बदल ली हो लेकिन धीरे धीरे इराक उनके कब्ज़े से निकल के ईरान के कब्ज़े में चला गया है क्योंकि इराक की बहुमत आबादी शिया है ईरान की भी बहुमत आबादी शिया है और उनके बीच बहुत ढंग से एक संगठन बनाने का काम करने वालों में सबसे बड़ा नाम कासिम सुलेमानी का था साथ ही सीरिया की भी यही हालत है सीरिया में भी जो सेना थी उसमें हिम्मत फूंकने का हथियारों से लैस करने का और बाद में आईएस को खदेड़ के पछाड़ देने का जो काम किया है उसमें भी उसके हीरो कासिम सुलेमानी ही माने गए हैं गल्फ एरिया में पश्चिम इन्हें दूसरी नज़र से देखता है वो इनको अतिवादी आतंकवादी और दूसरे और शब्द देता है लेकिन खुद ईरान और बाकी लोग इनको हीरो की तरह देखते हैं और इसीलिए ईरान में इस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट फूट पड़े हैं आप एक वीडियो देखिए ईरान की सड़कों पर बहुत सारे लोग उतर आए हैं और इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तो, यादा। तो, यादा। तो इराक में ये तनाव इतना बढ़ा है ईरान और इराक और सीरिया और लेबनान के कुछ इलाकों में जहां शियाओं की आबादी है और अदरवाइज भी सांगठनिक रूप से लोग मौजूद हैं कि अमेरिकन एम्बेसी को और अमेरिकन सरकार को अपनी एम्बेसी में अमेरिकन लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है एक खुली घोषणा करनी पड़ी है जो अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर अमेरिकन सरकार का ट्वीट जिसमें अमेरिकन सरकार सलाह दे रही है कि उसके नागरिक जो हैं वो अब सिक्योरिटी अलर्ट उसने कहा कि तुरंत इराक छोड़ दें जो रोड से निकल सकते हैं रोड से निकल जाएं जो जहाज़ों से निकल सकते हैं एयरपोर्ट से निकल जाएं ये डिटेल इन्होंने एक सूचना जारी की है क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है जैसा आपने ईरान में देखा ऐसा ही वातावरण इराक में भी है क्योंकि जो मिलिशिया पॉपुलर मोबलाइजेशन फ़ोर्स के नाम से क्रिएट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने और या कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में या उनकी मदद से जो क्रिएट हुआ है वो बहुत बड़ी ताकत बन गया है और उन लोगों ने नए साल की शाम अमेरिकन एम्बेसी को घेर लिया था नए साल के पहली शाम को और दो दिन तक घेरे रहे थे और इसकी वजह से ये जो इनके सहयोगियों पर जो हमला हुआ था ये उस ठेकेदार की हत्या के बाद उसके विरोध में इन्होंने घेर लिया था उसकी वजह से अमेरिका को वहाँ साढ़े सात सौ अपने सैनिक आस पड़ोस के देशों से तुरंत पैराट्रूप करने पड़े उतारने पड़े एम्बेसी की रक्षा के लिए तो अमेरिकन्स अब इस स्थिति में नहीं है कि अपने नागरिकों की खुलेआम रक्षा कर सके उन देशों में इसलिए उन्होंने इराक में खासकर यह आदेश दिया कि तुरंत वहाँ से अमेरिकन नागरिक जो भी हैं जहाँ हैं जिस स्थिति में वहाँ से निकल जाएं तो ये एक बड़ी एक ख़तरनाक सी स्थिति हम देख रहे हैं मध्यपुर में पैदा हो गई है और इन घटनाओं के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है इसकी शुरुआत दरअसल हुई जब ट्रंप साहब ने पिछले साल 2018 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी सारी दुनिया के कहा जाए पश्चिम और अमेरिका की मिल ओबामा प्रशासन तब था ईरान के साथ जो डील हुई थी उसको एक आए कि इन्होंने मई में मई की बात है मई 2018 थार में अपनी ओर से कैंसिल कर दिया था उसके बाद से दुनिया ये अंदेशा लगा रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है लेकिन 2019 पूरा गुजर गया ऐसा नहीं हुआ इस हुई जैसा मैंने आपको बताया कि ड्रोन एक इनका मार गिराया गया था कुछ नावें ब्रिटेन और दूसरों की तेल के जहाज़ वगैरह पकड़ लिए थे ईरान ने ईरान का एक जहाज़ ब्रिटेन ने पकड़ लिया था इस तरह से छुटपुट घटनाएं है हुई हैं लेकिन कोई भी घटना इस स्तर तक नहीं पहुंच रही थी जैसी ये घटना हुई है ये घटना बहुत बड़ी है और इससे ईरान में जो सरकार है उस पर बहुत दबाव आ गया है कि वो कोई न कोई ऐसी कार्रवाई करे जो अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में ली जाए उन्होंने ऐसा करने का ऐलान भी किया है ईरान में तीन दिन का राजकीय शोक इस घटना के विरोध में हो गया है ये घटना जो घटी है बगदाद में तो ये एक सुलेमानी शायद सीरिया से या किसी और जगह से जो अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है जहाज से आए थे उतरे थे और इस मिलिशिया के डिप्टी कमांडर मुहदिस और उनके अन्य सहयोगी इनको रिसीव करने पहुंचे हुए थे जैसे ही वो प्लेन से उतरकर कर गाड़ियों में बैठने जा रहे थे कि ये ड्रोन हमला हुआ ये हमला जिस तरह से हुआ कुछ ईरानी टीवी वगैरह में कुछ इसके फुटेज आए हैं उनमें से एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि ये और बात है कि इराक युद्ध अमेरिका ने लड़ा सद्दाम हुसैन को मार दिया उसके बाद लीबिया में जो कुछ हुआ गद्द कर्नल गद्दाफी वहाँ मारे गए उस पूरे इलाके में बहुत सारी हिंसा हुई है अभी सीरिया का युद्ध चला दो तीन साल जिसमें आईसिस ने कब्ज़ा कर लिया था फिर वो लोग मारे गए हटाए गए अब सीरिया में राष्ट्रपति असद फिर कब्जे में है हिजबुल्ला ने इधर बड़ी ताकत क्रिएट की है हूती लड़ी रहे हैं यमन में और इराक में ये सब डेवलपमेंट हुआ है तो मध्य पूर्व में ईरान एक बहुत बड़े स्तर पर अपना प्रभाव तमाम मिलिशियाज के जरिए बढ़ाने में सफल रहा है और उन्हीं में से एक मिलिशिया जो इराक में है जिसको पॉपुलर मोबलाइजेशन फ़ोर्स पीएमएफ कह रहे हैं उसके लोगों द्वारा की गई और उसके लोगों से अमेरिकन इंटरेस्ट की हुई भिड़ंत में ये नतीजा निकला है जो नतीजा किसी बड़े ए, मतलब एक सैनिक कार्रवाई में या एक साम आमने सामने के युद्ध में या पता नहीं किस स्थिति में बदलेगा लेकिन हमारे देश जैसे पर इसका प्रभाव ये हो सकता है कि दुनिया में तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर की ओर भागने लगें और हमें जो हमारी जो ख़रीदारी है इम्पोर्ट बिल जो हमारा सबसे बड़ा तेल की खरीद में है उस पर इसका दुष्परिणाम पड़े ऐसा ही दुनिया के और देशों के साथ भी ज़्यादातर देशों के साथ हो सकता है तो इन्हीं सूचनाओं के साथ हम इस घटना पर पूरी नज़र रख रहे हैं और देखेंगे कि जब जब इसमें और डेवलपमेंट्स होंगे आप तक उनको लेके हाजिर होंगे अब तक आज हमारे पास इस घटना के बारे में जो कुछ डिटेल्स थे और जो सूचनाएं दोनों पक्षों से आई थी उनको कंपाइल करके हमने आपके सामने रखा है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएँ